क्या जरूरत है कि इसके अंदर हमको कुछ फोन है फोन तो बताओ कैसा है? बहुत ज्यादा मेरे को बड़ी एक्सपीरियंस लगा। थक गई। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं छत में आ गई हूँ क्योंकि छत में काम है आज मुझे, और ये सारे गमले मैंने नेट के नीचे लगाने क्योंकि धूप ज़्यादा हो गई है और गर्मियाँ शुरू हो गई, तो कहीं जो पौधे हो कहीं झुलस ना जाए, तो इससे अच्छा है पहले मैंने नेट लगा दिया। तो दिखाती हूँ आपको, तो ये नेट लगा दिया ऐसे कुछ, और आधे थोड़े से पौधे यहाँ रख दिए मैंने, छोटे पौधे पीछे की तरफ रखे जिनसे उनको धूप ना पहुँचे, और थोड़े बड़े बड़े आगे रखूँगी जिससे उनमें छाया रहे छोटे पौधों में, और यहाँ पे रख दूँगी मनी प्लांट इस लकड़ी पे। और ये पूरा नेट मैंने लगा दिया अच्छे से, और मिलेगा तो उस साइड से भी लगा दूँगी नीचे। तो फिलहाल ऐसे लगाया मैंने पूरा नेट। जोड़ के रख दिए मैंने जिससे धूप ना लगे इन पे, छाया रहे, और इधर मनी प्लांट रख दिया थोड़ी धूप लगाने के लिए भी, और यहाँ पे और गमले देखूंगी तो धूप वाले गमले हैं ये जो ऐसे ही वाले हैं ना, बोगनवेली वाले ये, तो इनको धूप में ही रखूंगी। अंदर तक भी आएगी तो वो पेड़ रखूंगी यहाँ पे जिनको धूप की जरूरत है, और जो धूप में मुरझा जाते हैं उनको थोड़ा बैक साइड पीछे की साइड रखूंगी। देखते हैं, अभी समझ नहीं आ रहा कुछ, जब तक धूप का पता नहीं चलेगा क्योंकि अंदर तक आएगी यहाँ तो वैसे पौधे रखने पड़ेंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि एलोवेरा रख दूँ इस साइड। थक गई। तो एक गमला टूटा हुआ है तो उसको हिलाया नहीं मैं, वैसे घसीट के ले आई इसको, और इसको ऐसे ही रहने दूंगी यहाँ पे, इसके पीछे जो छोटे पौधे छुप जाएंगे। उफ, एक और बड़ा गमला रखा हुआ है जो किनारे पे इधर से धूप आ रही है, मैं यहाँ सोच रही हूँ कि एक पुरानी चादर है तो वो जोड़ दूँ, सिलना पड़ेगा। लग गया।
अब दो बड़े गमले और हैं। थक गई। और अभी दो गमले वो भी है, उनको भी सोच रही हूँ मैं वहां यहाँ रख दूँ, वो जो दिख रहे हैं ना वाले दो गमले, तो उनको भी सोचू कि इधर ही कहीं रख दूँ। तो देखती हूँ कहाँ बनाती हूँ उनके लिए जगह। तो बन गया छोटा सा गार्डन, और अभी मैं इसके बीच में बैठने के लिए भी बना दूंगी। आज तो काफी थक गई हूं मैं। तो हो गया मेरा छोटा सा गार्डन तैयार, तो अब मिलती हूँ मैं आपको नीचे। तो चलिए दोस्तों, क्या जरूरत है कि इसके अंदर हमको कुछ नहीं पता क्या है, ये तो तभी नाम है उसका मिस्ट्री बॉक्स। अच्छा तो आना फोन है, फोन। तो गाइस अब मिस्ट्री बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। लगता है कुछ क्या है? ये आया फेस वॉश। फेस वॉश आया है, देखो 100 ml का है। खोल के तो दिखा दो मिस्ट्री बॉक्स के अंदर। और गाइस ये हमारे फैन, और फेस वॉश की काफी जरूरत थी मुझे। और इसकी प्राइस क्या है? 5.95 का है ये। हमें गाइस प्रॉफिट ही हुआ है एक तरीके से। और एक्सपायरी वगैरह ठीक है, 24 की है ये। सब बढ़िया है गाइस। तो मिस्ट्री बॉक्स स्टार्टिंग से हमने मतलब यही मंगाया था, छोटी चीज मंगाई थी, और धीरे धीरे हम थोड़ा अपना बजट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कलेक्ट हो जाएंगे तो थोड़ा और बजट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो हमें ये मिला है। बाकी आप क्या कहना चाहते हो, इससे प्रॉफिट हुआ आपको? इसके बारे में आप कमेंट्स कर सकते हो कि मिस्ट्री बॉक्स के बारे में आपने सुना होगा या देखा होगा या फिर आपने कभी मंगाया होगा। सजेस्ट करो कि हमें और मंगाने चाहिए कि नहीं मंगाने चाहिए। तो फेस वॉश इसमें हमें प्रॉफिट ही हुआ है, मतलब हमें घाटा नहीं हुआ है एक तरह से, हमें इसका प्रॉफिट हुआ है क्योंकि हमारा 500 का बजट था और ये 600 का है। इसको यूज करके बताऊंगी मैं आपको कैसा है फेस वॉश। पैक को रखा है, बिल्कुल पैकिंग है, बिल्कुल एकदम कुछ खरोच वगैरह नहीं है, बिल्कुल बढ़िया सा डब्बा आया। वीडियो बना क्यों डरा रहे हो? और सबसे पहले इसी ने यूज ये देखो, आई नहीं है चीज घर पर, सबसे पहले इसने लगा लिया। ये रहा भाई, डर गया था मैं। हाँ डर गया था, सबसे पहले लेके भागा कि मैं देखता हूँ चेक करने के लिए। अब ये यही बताएगा, मैंने तो यूज कर यही बताएगा कि कैसा है ये। भाई क्यों ले रहा हूँ तो अरे शक्ल तो देख लेता हूँ। मेरी त्वचा बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, और बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गई है। तो गाइस बिल्कुल प्रॉफिट हुआ हमें, और बिल्कुल मजा आ गया। थैंक यू, बाय गाइस।